सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके Instagram से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज, हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप Instagram यूजर हैं और आप Instagram पर जाते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी पिक वगैरह शो नहीं होती है, कुछ इस तरह से अगर आपको दिखाई देता है, कुड नॉट लोड इमेज, टैप टू रिट्राई, तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गाइज मैं यहाँ पर 101% बताने वाला हूँ। यहाँ पर गाइज मैं आपको 3 से 4 से स्टेप बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जल्दी ही आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो गाइज ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि गाइज आप जल्दी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। देखिए गाइज, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं। इसका रीजन एक मेनली तो ये भी हो सकता है गाइज, अगर आपका इंटरनेट एक्टिव नहीं है तब भी गाइज इस प्रकार का ये एरर आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको एरोप्लेन मोड शो होगा, आपको जस्ट इस पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे गाइज ये एक्टिव हो जाएगा। उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपको अगेन इस पर टैप करना है, जिसके बाद गाइज ये डिसेबल हो जाएगा और जो आपकी नेटवर्क वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिक्स हो जाता है। अगर गाइज यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अब गाइज इन केस आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल की सेटिंग के ऊपर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐप्स पर क्लिक कर देना है, मैनेज ऐप्स पर टैप करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपको सर्च बार में सर्च करना है Instagram। तो गाइज आपको Instagram पर क्लिक कर लेना है और गाइज आपको नीचे की तरफ ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल और क्लियर डाटा। गाइज आपको यहाँ पहले, अगर आपका फोर स्टॉप वाला है ये ऑप्शन इनेबल है, तो गाइज आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना, जिससे ये डिसेबल हो जाएगा, जिस प्रकार से मेरा हुआ पड़ा है। उसके बाद गाइज आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, पहले कर देना है क्लियर कैच। उसके बाद गाइज आपको चेक कर लेना, अगर आपकी फोटो वहाँ पर शो हो जाती है ठीक है, नहीं तो गाइज आपको यहाँ पर कर देना है क्लियर ओल्ड डाटा। क्लियर ओल्ड डाटा कर देने के बाद गाइज आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ से जितनी भी परमिशन है इन सबको अलाउ करना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको अपने Instagram को यहाँ से ओपन करके देख लेना है। यहाँ से गाइज अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो गाइज अब आपको क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन को एक बार प्ले स्टोर पर आकर ये देख लेना है कि आपका Instagram यहाँ से अपडेट है या नहीं। अगर गाइज यहाँ से अपडेट वाला ऑप्शन मांग रहा है तो गाइज आपको यहाँ से इसको अपडेट कर देना है, क्योंकि गाइज बग वगैरह की वजह से भी इस प्रकार का ये एरर आपको शो हो जाता है कई बार। अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो गाइज अब आपको क्या करना है, देखिए आपको आपके मोबाइल की जो सेटिंग है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप MI कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं तो कनेक्शन एंड शेयरिंग का, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से कर देना है रीसेट सेटिंग। यहाँ से आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर देना है और गाइज यहाँ से आपको ओके प्रेस कर देना है, जिससे गाइज आपका वाईफाई का, मोबाइल डाटा का, ब्लूटूथ का जो भी सेटिंग होगी वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। उसके बाद एक बार सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है, जो आपकी सिम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो आप इस तरह के इंटरफेस पर पहुँच जाओगे। आपको APN पर क्लिक कर देना है और गाइज यहाँ से कर देना है इसको रीसेट। APN भी रीसेट कर लेने के बाद गाइज आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने जो नेटवर्क है उसको LTE पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है, यहाँ से इसको डिसेबल करके इनेबल कर लेना है। ये सब कर लेने के बाद गाइज आपको बैक आना और अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट कर लेने के बाद गाइज आप पाओगे जो आपकी प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाती है। तो गाइज आपको इस प्रकार का ये कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को जस्ट आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।